कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती भले ही आपस में जंग करते हों, लेकिन जब चुनाव हारने की बारी आती है तो वो हाथ मिला लेते हैं और अपने खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। नगर पालिका चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपनी हार की वजह बीजेपी की चाल को बताया, तो वही मायावती भी चुप नहीं रही और मायावती ने भी अपनी जीत की वजह बीजेपी को बता दी। अब ऐसे में एक नया संकेत देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि अपने घटते लोकप्रियता को देखते हुए अखिलेश और मायावती 2024 के चुनाव में साथ आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होते हुए नजर आ रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद से बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद दोनों 2024 लोकसभा चुनाव में फिर एक साथ आने को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत निकाय चुनाव के नतीजों के बाद हुई। बीएसपी और सपा दोनों एक ही राह पर बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब नगर निकाय चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के बयानों पर नजर डालते हैं। तब दोनों ने बीजेपी पर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और अकेलित समाज के लोगों की सुरक्षा पर घेरा। बात यही खत्म नहीं हुई, इन दोनों ने बीजेपी को राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी निशाने पर लिया। इसके बाद जब निकाय चुनाव के रिजल्ट आए और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, तो दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर एक साथ निशाना साधा। दोनों ने मुस्लिम समाज को चिंतन करने और सरकार पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसके पहले भी दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर रोजगार, विकास और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कई बार एक साथ निशाना साधा है। वहीं अब निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद दोनों ही पार्टियों का सुर लगभग एक साथ सा लग रहा है, जिसके बाद अखिलेश ने और मायावती दोनों ने निकाय चुनाव में हारने का श्रेय बीजेपी को ठहराते हुए कई बयान भी दिया और इन बयानों के बाद राज्य में दोनों की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने के संकेत भी दे दिए हैं। यूपी के सियासी हलकों में एक बार सपा बसपा के साथ मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। सपा बसपा के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लिया गया है। इसकी बड़ी वजह इन दोनों को मिलने वाली जातीय वोट है। पार्टी का मानना है कि अगर ये दोनों पार्टी साथ आ जाए तो दोनों ही मिलकर पार्टी को अजय बना सकती है और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा भी सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।